रोजगार और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काफ़ी दृढ़ संकल्पित है। इसी को लेकर इन्वेस्टर समिट की गई और इन्वेस्टर समिट में जो भी उद्यमी कोई उद्योग लगाना चाहते हैं उसको शासन और प्रशासन द्वारा पूरी तरीके से मदद दी जा रही है। इसी क्रम में बस्ती जनपद में आज उद्यमियों को ऋण वितरण किया गया, जहां लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्यमियों को ऋण वितरित किया, वहीं पर जनपद में यहां की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने उद्यमी को ऋण दिया। ऋण पाकर उद्यमियों के चेहरे खिले नजर आए। पेश है एक रिपोर्ट। हमारा नाम आशुतोष जायसवाल है, मेरी कंपनी बीएल फूड्स एंड डाल प्राइवेट लिमिटेड है। हमारी कंपनी अभी राइस मिल के व्यवसाय में है, अभी इसको हम आगे एक्सपेंड कर रहे हैं। हमारी कंपनी आम जरूरतों के से संबंधित सभी चीज़ें, दाल के मसाले, अच्छी क्वालिटी के हेल्दी प्रोडक्ट्स और अच्छे रख रखाव में अच्छे स्टैंडर्ड के साथ मार्केट में आपको लोगों को उपलब्ध होगी। इससे हम अलग अलग जो है फ्रेंचाइजी बिजनेस में आएंगे और ये हम लोगों को हर एक छोटे छोटे जगहों पर छोटे छोटे गलियों में कस्बों में अपने स्टोर खोलेंगे, जिससे हमारे हर स्टोर पे आठ से दस लोगों को रोज़गार मिलेगा। और ये हमारी योजना अगले 2-3 सालों में 100 दुकान खोलने की है, तो लगभग लगभग हम 1,000 लोगों को रोज़गार देंगे अपनी इस योजना अपने इस इंडस्ट्री के माध्यम से। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय शासन की मंशा के अनुरूप जो हमारी इंडस्ट्री समिट हुई थी और जिन उद्यमियों ने यहाँ पर MOU साइन किए थे, तो लगभग हम 1,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग को प्राप्त कर चुके हैं। और इसी क्रम में अन्य जो हमारी रोजगार सृजन योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, इन सभी में आज एक बृहद ऋण वितरण कार्यक्रम आयोजन लखनऊ में किया गया था। उसी के क्रम में जनपद में भी 2023-24 की प्रथम तिमाही में लगभग 357 इकाइयों को 1,653 लाख का ऋण वितरित किया गया है और इससे लगभग 1,100 लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए हैं और इससे लोगों को रोजगार सृजन का अवसर मिलेगा और जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास के अवसर भी प्राप्त होंगे। हमारा जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, अगर हमारे 1,000 करोड़ में ये कार्य शुरू हो जाएगा, जैसे ही सारे उद्यम पूर्ण रूप से संचालित हो जाएंगे, लगभग 5 से 7 हज़ार लोगों को रोजगार अवश्य मिलेगा। के लिए शासन की मंशा के अनुरूप निरंतर जो है वो उद्यमी और उद्योग बंधु की बैठक आयोजित की जाती है मासिक रूप से, और जो भी उद्यमियों की समस्याएं हैं उनके लिए सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर निस्तारण किया जाए।